हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक गुलाब का पौधा और इसमें फूल भी बहुत सुंदर से खिले हुए हैं। और जब मैं इसे लाई थी, रिपोर्ट भी किया था तो मैं आप लोगों से शेयर भी की थी। और उसके बाद देखिए, रिपोर्टिंग के बाद पहली बार इसमें फूल खिले हैं। हालांकि पौधा काफ़ी घना हो चुका है और देख सकते हैं बहुत सारे नए नए ब्रांच भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से ब्रांच आ रहे हैं तो इसे खाद की भी ज़रूरत होगी। तो आज मैं खाद डालने वाली हूँ और वो भी जो भी घर में होता है वेस्ट चीज़, उसी को डालकर मैं आप लोगों को NPK बनाना भी सिखाऊंगी। तो एक व्यूअर्स का सवाल भी था दोस्तों कि उसके पास कोई खाद नहीं है तो ऐसे में वो क्या डाले। तो आज इसीलिए मैं कुछ ऑर्गेनिक घरेलू खाद डालकर दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग पौधे पर क्या कुछ डाल सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी एक्स्ट्रा ब्रांच आते हैं उसे हमें निकाल देना, या इस तरह का एक्स्ट्रा पौधा है दोस्तों तो उसे निकाल कर हटा दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं पौधे का। तो इससे पौधे में जितना खाद चाहिए होता है वो नहीं जाता है, दूसरे पौधे ले लेते हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा पौधे को निकाल देना चाहिए। और दूसरी चीज़ है तो इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देना है। और देखिए, मेरी मिट्टी हमेशा इसी तरह रहती है क्योंकि मैं हर 15 दिन में एक बार खाद कुछ ना कुछ डालती हूँ और गुड़ाई भी कर देती हूँ। तो गुड़ाई करने से बहुत फ़ायदा होता है, पौधे को ऑक्सीजन भी मिल जाता है। और गुड़ाई करने से क्या होता है कि अगर आप पानी डाल रहे हैं तो पानी सही से पूरे जड़ों तक पहुँच जाता है। तो इसीलिए हर 15 दिन में पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दें और खाद ज़रूर ही डालिए। और दूसरा काम है, जो भी इस तरह से फूल खिले हुए हैं उसे हटा दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए तो थोड़ा ख़राब भी हो गए हैं। तुरंत मत हटाइए, जब खिलते हैं तब कुछ दिन रहने दीजिए, उसके बाद जैसे ही ख़राब होते हैं तो फूल को हटा दीजिए, तो पौधे का ग्रोथ अच्छा से हो जाएगा। नहीं तो फूल में ही सारी एनर्जी जाती रहेगी तो दूसरे फूल नहीं खिलेंगे। इसीलिए फूलों को ज़रूर हटाइए। और अब देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से गुड़ाई कर दिया है और अब हमें खाद डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई भी बाहर का खाद नहीं डालूँगी। ऐसे तो मैं वर्मी कंपोस्ट हर 15 दिन में डालती हूँ, लेकिन ये किसी व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ घरेलू चीज़ें ही डालूँगी। तो यहाँ पर पहली खाद है तो ये है, देखिए दोस्तों, अंडा। और अंडे के छिलके में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आप चाहे तो इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा सा गार्डनिंग को इजी करना चाहती हूँ। अब पाउडर बनाने लगे, पता नहीं, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन आपके पास भी शायद ना हो, अगर आप चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो इसी तरह क्रश करके डाल दीजिए। हालांकि बहुत दिनों के बाद ही डिकम्पोज होता है, लेकिन इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तो इससे हमें ज़्यादा सैंड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर क्रश करके ही डालती हूँ। तो 2 अंडे के छिलके आप हर 15 दिन में अपने पौधे पर डाल सकते हैं, तो इससे कैल्शियम पूरा हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, तो ये है चायपत्ती। तो चायपत्ती में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसी के साथ इसमें नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो पौधे को फ़ायदा देते हैं। तो ये खासकर इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो इसीलिए 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। और ये दोस्तों, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है और उसे अच्छे से धो के सुखा लिया है, उसके बाद इसे डालना है। तो इस तरह से मिट्टी में डाल देना है और मिला देना है, तो इससे मिट्टी एसिडिक भी हो जाएगी और गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो ये चाय पत्ती आपको महीने में एक बार डालना है, 1 से 1.5 चम्मच, हर दिन नहीं डालना है। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, तो ये है केले का छिलका, जिसे मैं सुखा के रख लेती हूँ। तो अभी गर्मी है दोस्तों, आप लोग भी सुखा के रख लीजिए। और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, तो इस तरह से कैल्शियम, नाइट्रोजन और पोटेशियम हमारे पौधे को मिल गया। तो ये एक संपूर्ण खाद होता है। अगर आप दूसरी खाद नहीं भी डाल रहे हैं और इसे हर 15 दिन में रिपीट करते हैं, चायपत्ती सिर्फ महीने में एक बार डालिए और ये 2 खाद हर 15 दिन में आप डालते हैं, तो 2 केले के छिलके आप इतने बड़े गमले में डाल सकते हैं। तो इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग ईजी गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए है कि आप डायरेक्ट ही डाल दीजिए, धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। और इसका लिक्विड ही बना के डाल दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रोज़ ही थोड़ी बारिश हो जा रही है तो लिक्विड डालने से ये बह के चला जाता है बारिश के साथ। और अब देखिए दोस्तों, ये चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन नहीं भी डाल सकते, स्किप कर दीजिए, लेकिन मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। तो ये है सरसों की खली, तो इसमें भी
एनपीके ही होता है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े या तो पाउडर बना के डाल दीजिए या फिर इसी तरह छोटे छोटे टुकड़े करके 2-3 टुकड़े इसमें डाल दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालिए, और अगर डालना चाहते हैं तो ये कोई भी तेल के दुकान में जहाँ पर तेल निकाला जाता है मिल में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिए और इसे छोटे छोटे टुकड़े करके 2-3 जगह डाल दीजिए। तो इसका भी लिक्विड डाल सकते हैं, लेकिन मैं जैसा कि बता रही हूँ कि हमारे यहाँ बारिश हो जाती है दिन, तो इसीलिए अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। 2-3 दिन से तो लगातार ही बारिश हो रही है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ही डाली है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से खाद डाल दिया है और ये एक भरपूर खाद हो गया है गुलाब के पौधे के लिए। तो जब हमारे पास खाद नहीं होता है तो मैं इसी तरह का खाद डालती हूँ, और देखिएगा हमारे पौधे पे काफ़ी अच्छे फूल भी आते रहते हैं। और अब देखिए दोस्तों, इसमें अच्छे से पानी डाल देना है, और अभी रखना कैसे जगह पे ये भी बता रही दोस्तों। तो इसे आप ऐसे जगह पे रखिए, अभी अगर आपके यहाँ तेज़ धूप पड़ती है तो आप किसी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर 2-3 घंटे ही धूप मिले, क्योंकि गर्मियों में पौधे पे झुलसने लगते हैं। तो देखिए हमारा पौधा काफ़ी सुंदर हरा भरा है, क्योंकि मैं इसे ऐसे जगह पे रखी हूँ जहाँ पर 10 से 11 बजे तक ही धूप मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती है। तो इस तरह से हो गया, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।